टाइम्स टुडे के स्पेशल फोकस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अफशा फातिमा और मैं हूं आयशा बतूल। आज के स्पेशल फोकस में क्रिकेट शायकीन के लिए क्रिकेट से मुतालिक करते हैं चंद दिलचस्प बातें। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसकी शुरुआत मुल्क इंग्लैंड से हुई और उसकी इजाद तो अंग्रेजों ने की, मगर क्रिकेट को हिंदुस्तान में काफी पसंद किया जाता है। यूं तो हमारा कौमी खेल हॉकी है, मगर हॉकी से ज्यादा हिंदुस्तानी क्रिकेट को पसंद करते हैं और ये एक ऐसा खेल है जो कि सबसे ज्यादा देखा भी जाता है और खेला भी जाता है। ऐसा माना जाता है कि क्रिकेट की शुरुआत 17वीं सदी से हुई और इसको 18वीं सदी में मकबूलियत मिली। 19वीं सदी में ये खेल पूरी दुनिया में इस वक्त के मशहूर खेल फुटबॉल को भी पीछे छोड़ते हुए सबका पसंदीदा खेल बन गया। तब से लेकर आज तक इस खेल को बच्चों से लेकर बूढ़े तक खेलना और देखना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं क्रिकेट को कैसे फरोग मिला। सन 1912 में ऑल इंडिया क्रिकेट टीम ने पहली मरतबा इंग्लैंड का दौरा किया। उस वक्त टीम के कप्तान गौरी शंकर थे और साल 1926 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब के दो मेंबरान ने लंदन का दौरा किया। इस दौरे का मकसद इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना था। साल 1926 की इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल अब ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानी जाती है। उस वक्त कलकत्ता क्रिकेट क्लब के मेंबरान ने फॉरेन में चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट कॉन्फ्रेंस लॉर्ड हैरिस से मुलाकात की। इस दौरान लॉर्ड हैरिस ने हिंदुस्तान में क्रिकेट खेलने की ख्वाहिश जाहिर की। उस वक्त इंग्लैंड के कप्तान गिलियम थे। गिलियान जब क्रिकेट खेलने हिंदुस्तान आए तो उन्होंने पटियाला के महाराजा से मुलाकात की। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान गिलियान और महाराजा पटियाला ने मुश्तरीका तौर पर ऐलान किया कि अगर क्रिकेट को हिंदुस्तान में फरोग मिलता है तो एक बोर्ड तश्कील देकर उसे ICC में शामिल कर लिया जाएगा। उस वक्त 21 नवंबर 1927 को महाराजा पटियाला ने हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों के मेंबरान को तलब किया, जिनमें पटियाला, दिल्ली, राजपुताना, अलवर। वहीं भोपाल, ग्वालियर, बड़ौदा, काठियावार, सेंट्रल प्रोविंसेस, सिंध और पंजाब से मेंबरान ने इजलास में शिरकत की और बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया कायम करने के लिए बातचीत की। दिसंबर 1927 को सिलसिले में एक फैसला लिया गया। दिसंबर 1928 में तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत BCCI की तश्कील हुई, जो कि 6 मेंबर्स पर मुश्तमिल थी, जिसके पहले प्रेसिडेंट R.E. ग्रंद गोविंद थे और एंथनी डी मेलो सेक्रेटरी थे। आज BCCI का शुमार दुनिया के सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड में किया जाता है। क्रिकेट बोर्ड के खयाम के बाद टीम के लिए खिलाड़ियों को मुंतखब करने के लिए BCCI ने कई क्रिकेट मुकाबलों का आगाज किया, जिनमें रांची ट्रॉफी, ईरानी कप, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारी ट्रॉफी और दियोधर ट्रॉफी शामिल हैं।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, कोच बिहार ट्रॉफी, सीनियर विमेन वनडे लीग, सीनियर विमेन T20 लीग और इंडियन प्रीमियर लीग काबिले जिक्र है। मौजूदा BCCI का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के वानखेड़े स्टेडियम में है। इसके मौजूदा प्रेसिडेंट CK खन्ना है। नाजरीन अब बढ़ते हैं इंडियन क्रिकेट टीम से मुतालिक जानकारी की जानिब, जो मेरी दोस्त आयशा बुद्दिल आपको बताएंगे। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने पहला वर्ल्ड कप 1975 में खेला। टीम के कप्तान श्रीनिवास राघवन और नायब कप्तान बिशन सिंह बेदी की क्यादत में हिंदुस्तानी टीम ने ग्रुप बी में तीसरा मुकाम हासिल किया। हर 4 साल बाद मुनाकिद होने वाले वर्ल्ड कप मुकाबले में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम हिस्सा लेती आ रही है और साल 1983 में खेले गए वर्ल्ड कप मुकाबले में हिंदुस्तान ने कप्तान कपिल देव और नायब कप्तान मोहिंदर अमरनाथ की निगरानी में पहला वर्ल्ड कप जीत लिया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और क्रिकेट शायकीन को कई क्रिकेट मुकाबले देखने को मिले। हिंदुस्तान में कई नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तानी क्रिकेट को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इन खिलाड़ियों में कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, अजय जडेजा, जॉगल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, वेंकटेश प्रसाद शामिल है। साल 2003 हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम और क्रिकेट शायकीन के लिए यादगार और तारीखी रहा। साल 1983 के बाद जब साल 2003 में वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, तब पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में वर्ल्ड कप फिर से जीतने की उम्मीद जाग उठी थी। टीम के नौजवान खिलाड़ियों ने टीम को वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाकर इस उम्मीद को मजीद बढ़ा दिया था। हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप तो नहीं मिला, लेकिन कप्तान सौरभ गांगुली की क्यादत में टीम रनर अप का मुकाम हासिल करने में कामयाब रही। साल 2003 के वर्ल्ड कप के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम अपने शानदार परफॉर्मेंस के साथ एक मजबूत टीम के तौर पर उभरी और जब साल 2007 के वर्ल्ड कप का वक्त आया, हिंदुस्तान ने ग्रुप बी में तीसरा मुकाम हासिल किया, जिसके कप्तान राहुल द्रविड़ थे और वाइस कप्तान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे। साल 2007 के बाद जैसे हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की तारीख बदल ही गई हो। टीम में शामिल किए गए नौजवान खिलाड़ियों में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को मजीद कामयाब बनाने का जज्बा दिखाई देने लगा। महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, रविचंद्र अश्विन, यूसुफ पठान टीम का हिस्सा बने और इन खिलाड़ियों ने हिंदुस्तान को कई ट्रॉफीज दिलाई, कई सीरीज पर कब्जा किया, जिनमें ICC का T20 वर्ल्ड कप और ICC चैंपियंस ट्रॉफी काबिले जिक्र है।
साल 2011 का वक्त ऐसा था जिसमें क्रिकेट के शायकीन ने फिर एक बार हिंदुस्तान से वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद की, जिसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे और वाइस कप्तान वीरेंद्र सहवाग थे। इन दोनों की मेजबानी ने दूसरी मर्तबा वर्ल्ड कप को हिंदुस्तान लाते हुए करोड़ों शायकीन की उम्मीदों को पूरा किया। And he'll get it from Mr. Sharad Pawar, the president of the ICC. The party begins in Mumbai. And that's it from the presentation area. Well, the party will begin for sure. The Indian team have finally reached the moment they can lift the trophy. And it's got to be a special moment for every single one of those members of the team and support team. Fireworks will be going all night. The party will go all night and all day. Sonny, how are they feeling, do you think, at this present moment? Well, they'll be ecstatic. They will be cherishing every single second from now on. In fact, from the time Mahendra Singh Dhoni hit that six, they will be just cherishing, trying to remember every moment. It's a moment that comes rarely in a sportsman's life, in a team sportsman's life. Somebody who plays for a team, somebody plays an individual sport, he can go on to win majors. But a World Cup in cricket comes every 4 years. And therefore, they could be changing personnel next time India play in the World Cup 2015. There were some members of the 2003 team who had suffered in the finals against Australia. Some of them are here now as winners. For them, it'll be a moment to rejoice, a moment again that they. वक्त तेजी से बढ़ने लगा। इस दौरान क्रिकेट को शोहरत दिलाने वाले अहम खिलाड़ी क्रिकेट से सुबुकदोश होने लगे। हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर अपने खेल से राज करने वाले खिलाड़ी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने भी क्रिकेट से रिटायरमेंट का फैसला लिया। सचिन के इस तरह रिटायर्ड हो जाने से क्रिकेट शायकीन मायूस हो गए और अपने हर दिल अजीज खिलाड़ी की कमी महसूस करने लगे। साल 2015 के वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर पाई, तहम वो फाइनल में पहुंचने से खासिर रही। साल 2015 के वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। साल 2015 के वर्ल्ड कप के बाद मुख्तलिफ हिंदुस्तानी क्रिकेट के खिलाड़ियों ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने वाले खिलाड़ियों में गौतम गंभीर, रुद्र प्रताप सिंह, पीयूष चावला, प्रवीण कुमार, इरफान पठान, रॉबिन उत्तपा, अमित मिश्रा के नाम शामिल हैं। साल 2019 के दौरान हिंदुस्तानी क्रिकेट की तारीख में एक ऐसा वक्त भी देखने को मिला है जब नामवर खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया से अचानक ही सुबुकदोश हो गए। ये ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने करियर के दौरान कई रिकॉर्ड बनाए। अचानक क्रिकेट से दूर होने वाले इन खिलाड़ियों ने अपने मद्दाहों को काफी मायूस किया। उन खिलाड़ियों में युवराज सिंह और अंबाती रायडू शामिल हैं। युवराज सिंह और अंबाती रायडू का अचानक क्रिकेट ना खेलने का फैसला करना क्या सेलेक्टर्स की जानिब से नजरअंदाज किया जाना है या फिर टीम में मौजूद ना इत्तेफाकियों का नतीजा है? नाज़रीन, आपको बता दें कि साल 2019 के वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और वाइस कप्तान रोहित शर्मा की निगरानी में शानदार मुजाहिरा करते हुए सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। अब देखना यह कि क्या हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम तीसरी मर्तबा वर्ल्ड कप जीतकर करोड़ों क्रिकेट के फैंस को जीत का तोहफा देगी या फिर साल 2003 की तरह हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को मायूस होना पड़ेगा।
एशियन फोकस में आज इतना ही। मजीद प्रोग्रामों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ टाइम्स टुडे नेटवर्क पर। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।